अस्सलामुअलैकुम नाजरे नाजरे, ड्रामा सिर्फ फितना का इंटरेस्टिंग प्रोमो ने शेयर कर दिया गया। आने वाले एपिसोड में आप लोग मजीद क्या कुछ देख सकते हो, आज के वीडियो हम आप लोगों को बताने वाले, प्रेडिक्ट करने वाले, पेशगोई करने वाले। और अभी तक इस ड्रामे की फुल स्टोरी, कंप्लीट स्टोरी वाली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी से जाकर चेकआउट करते जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चल जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ड्रामा सिर्फ फितना के आने वाले एपिसोड में देखने वाले हो के नाजरे, यहाँ पर अब जमीर की माँ बहुत ही ज्यादा जो है इमोशनल होती है। जमीर की तस्वीर के सामने खड़ी होकर देख के बात कर रही होती है कि कहाँ हो अजमीर, और यहां पर वो ये भी सोच रही होती है कि यहां पर तुम हमेशा कहते थे कि यहां पर वरदा को जो है बहुत ज्यादा आप जो है लाड प्यार से पार रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसके जो है आपके प्यार नहीं इसे बिगाड़ रखा है, तो तुम बिल्कुल ठीक कहते थे। और नाजरीन यहां पर बहुत ही ज्यादा अपने बेटे को याद करेगी। और नाजरीन अब यहां पर हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में हमें अजमेर की जो है एंट्री दिखाई दे और उसके बाद ही उसे पता चले अपने बाप के बारे में कि यहां पर क्या कुछ हुआ। बहुत ही ज्यादा पछताएगा और बहुत ही ज्यादा रोएगा। और इसके साथ साथ हम लोगों को यह भी दिखाया जाएगा कि अब वरदा जो है नाजरीन अपनी माँ से मिलने वाली है और यहाँ पर दोबारा से अपनी माँ को अपनी तरफ करने की कोशिश करने वाली है। लेकिन नाजरीन इसकी माँ को अब सब कुछ पता चल चुका है, इसके कारनामों का, इसके रियल फेस के बारे में पता चल चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी बातों में ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ पर इसे जो है अभी तो बिल्कुल भी घर में जो है स्टे करने का बिल्कुल भी चांस नहीं देने वाली, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने जो है निवासे से प्यार करेगी और यहाँ पर जो है वरदा को थोड़ी देर के लिए ही बर्दाश्त करेगी। ये नहीं कि यहाँ पर तुम प्रॉपर्टी भी संभालो, ये कर लो वो कर लो, अब ये लाड प्यार जो है वो सारे के सारे जो है हमें ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। और नाजरीन जिसकी वजह से भी यहाँ पर वरदा काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेगी और नाजरीन यहाँ पर अब ये जो है शहीर को बिल्कुल भी करीब नहीं आने देगी और ना ही हुदा को इसके करीब आने देगी। ज़्यादा चांस ये करने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर ये दूर दूर ही रहें, यहाँ पर इनकी जो है वो शादी ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और यहाँ पर ये अरीज को भी बहुत ही ज्यादा मनाने की कोशिश करने वाली है कि अरीज यहाँ पर हम जो है उसी घर में जो है शिफ्ट हो जाते हैं या किसी और रेंट पे चले जाते हैं। लेकिन शहीर यहाँ पर अभी बिल्कुल नहीं मान रहा, लेकिन शायद हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में ये कुछ ऐसी जो है सूरत हाल खड़ी कर दे, इस तरह से बना दे सब कुछ, तो यहाँ पर अब जो है उसे जाना ही पड़े। और इसके साथ साथ आप लोग आने वाले एपिसोड में ये भी देखने जा रहे हो कि नाजरीन यहाँ पर अब जो है शहीर के बारे में जो है जो कुछ भी जो है गलतफहमियाँ थी जो भी थी, यहाँ पर नाजरीन काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करेगी कि यहाँ पर शहीर को बिल्कुल भी जो है इतना ज़्यादा भी गलत मत समझो, यहाँ पर उस अजमीर ने जो है तुम्हें छोड़ दिया था तो तुम ऐसा करो कि अब इसी से शादी कर लो, ये भी तुमसे ट्रू प्यार करता है, बहुत ज़्यादा तुमने चाहता है और यहाँ पर तुम्हारा भाई भी बहुत ज़्यादा जोर लगा रहा है और यहाँ पर मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी इसी से हो जाए, जिसकी वजह से शायद इसकी ये बात जो है इसके जो है दिल को छू ले कि यहाँ पर बाकी सब लोग भी जो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मुझे जो है कुछ ना कुछ करना चाहिए, ओके कर देना चाहिए, जिसकी वजह से भी नाजरीन यहाँ पर ये मान सकती है। और नाजरीन यहाँ पर यही हो सकता है कि यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता भी इसके दिमाग में बात चल रही हो कि क्या करना चाहिए। और नाजरीन यहाँ पर ऊपर से हमें दिखाया जाए कि एकदम से दरवाज़ा खटके और जिसके बाद ये जाकर जो है दरवाज़ा खोले कि कौन है कौन है, जिसके बाद जल्दी से शहीर देखे और कहे कि मैं जो है कि अंदर आ सकता हूँ। और यहाँ पर ये भी इसे देख के काफ़ी ज़्यादा जो है चुप हो जाए, इसके लहजे में काफ़ी ज़्यादा नरमी आ जाती है और नाजरीन यहाँ पर ये कहेगी कि ठीक है तुम जो है आ जाओ अंदर। और नाजरीन यहाँ पर अब इस इतना ज़्यादा लहजे में जो है वो मठास आ चुकी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अब ये बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में और ज़्यादा सोचेगी और ज़्यादा जो है ये करने की कोशिश करेगी कि ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सब कुछ ठीक होने वाला ही हो। कि नाजरीन यहाँ पर वरदा कुछ ना कुछ इसमें कर दे, या ये हो सकता है कि नाजरीन यहाँ पर अजमेर की फिर एंट्री हो, इसके बाद कभी भी एंट्री हो सकती है, लेकिन जब भी एंट्री होगी बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होगी और यहाँ पर हम लोगों को जो है कोई मंगनी वाला सीन भी जो है दिखाया जा सकता है। यहाँ पर शहीर की माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी, माँ भी बहुत ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि शायद उसे इस चीज़ से होप मिल जाए कि यहाँ पर जो है अब शायद अजमेर आए और मुझसे जो है वो शादी कर ले। लेकिन उसके भी ये चांसेस हैं कि यहाँ पर अब वो स्टडीज़ के लिए जो है वो बाहर जाना चाहती है और इसके बाप की भी तरफ से पूरी परमिशन है, इसकी माँ की तरफ से भी पूरी परमिशन है, इसका भाई जो है सारी की सारी अरेंजमेंट कर देगा और शायद ये बाहर चली जाए और वहाँ पर जाकर पढ़ाई कंटिन्यू करे और वहाँ पर ये किसी न किसी लड़के के साथ शादी कर ले, शादी करने का इरादा कर ले, या फिर अजमेर को ये अब भूल ही जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ वक्त
अट्रैक्शन थी, इस तरह से हम लोगों को जो है पेश किया जाए, दिखाया जाए। और इसके बाद नाज़रीन हमें यही दिखाया जाएगा कि नाज़रीन अब यहाँ पर होदा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, यहाँ पर बाकी सब लोगों के भी पास जो है ये बात फैल जाएगी कि यहाँ पर अब जो है इन दोनों की शादी हो रही है। बहुत ही ज़्यादा ये सब लोग जो है वो खुश होने वाले होंगे। और यहाँ पर इसी दौरान ही शायद हम लोगों को जो है वरदा की जो है हकीकत यहाँ पर आरेज़ के सामने आती हुई दिखाई दे, जिसके बाद नाज़रीन यहाँ पर वो तो बहुत ही ज़्यादा फट उठेगा, यहाँ पर तुमने ये वरदा क्या किया, यहाँ पर तुमने ये बहुत ही ज़्यादा बुरा किया, और इसी वजह से ये तलाक वाला सीन भी हो सकता है। और इसके साथ साथ हम आप लोगों को ये भी बता दें कि यहाँ पर हम लोगों को जो है वो बाहर से अजमी भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो पैसे भेजता रहे, और इसके साथ साथ वीडियोज़ कॉल और भी बहुत कुछ हम लोगों को दिखाए, क्योंकि यहाँ पर वो बाहर चला गया है, लेकिन यहाँ पर कोई वीडियो कॉल वाला जो है वो मामला इसी तरह से हम लोगों को जो है कुछ ना कुछ दिखाए जा सकते हैं। और यहाँ पर वो जो है वो शायद पहले वो भी मजम्मत करे कि नहीं, यहाँ पर आपको उससे बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नाज़रीन अपनी बहन अपनी माँ सबके जो है वो बात मान के वो भी ओके कर देगा। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है कि अजमेर इसमें आकर टांग अड़ाएगा और यहाँ पर जो है वो अपना जो है हाथ पीछे खींच लेगी, या फिर शहीर ही अपना हाथ पीछे खींच लेगा कि यहाँ पर नहीं तुम्हें जो है उस अजमेर के यानी कि अजमेर के पास जाना चाहिए, उससे शादी करनी चाहिए, मैं डिज़र्व तुम्हें नहीं करता। और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा जैसे फिल्मों में होता है भागी भागी जाए। और इसके साथ अच्छी खासी जो है क्लास आदिल की ले रही है नाज़रीन यहाँ पर यूसरा, यहाँ पर उसे बिल्कुल भी टिकने नहीं दे रही। और इसके साथ साथ बाकी सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर यूसरा के रवैये से, कि यहाँ पर यूसरा को जो है वो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना चाहिए, इसे जो है अपने हाथों में दोबारा से लेना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आदिल भी हथकंडे शेद अजमाए। और यहाँ पर यूसरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा अंदर से दुखी भी है कि यहाँ पर ये मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन नाज़रीन उससे जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन यहाँ पर लग रहा है जहाँ पर आदिल पैसे इन्वेस्ट करने वाला है जो 10 लाख रुपए, वो फ्रॉडियों के पास चला जाएगा। शायद हो सकता है वो शमीर जो कि यहाँ पर इसे ट्रैप कर रहा था यूसरा को, नाज़रीन उसी के पास पहुँच जाए, और जिसके बाद यहाँ पर हमें हरासमेंट और भी बहुत कुछ जो है खलासे खोलते हुए दिखाई दें। और यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर इसके पैसे बचे या ना बचे आदिल के, और यहाँ पर नाज़रीन यहाँ पर ये इसके जो है यूसरा के प्यार में मुबतला होने वाला है। और यहाँ पर हम लोगों को क्या यूसरा की तरफ से कोई गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है या नहीं मिल सकती, वो लास्ट एपिसोड जो कंप्लीट स्टोरी वाली वीडियो बनाई है उसमें हमने आप लोगों को जो है वो बता दिया है। और आदिल की बहन का क्या सीन होने वाला है, क्या उसके साथ भी कुछ होने वाला है, उसका जो यहाँ पर हस्बैंड बनाया गया है क्या वो भी कुछ करने वाला है, वो भी आप लोग बताइएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ मुझे इस ड्रामे में बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज में हो रहा है कि यहाँ पर अब जब किसी का भी जो है शोहर मर जाता है तो ये सफ़ेद कपड़े क्यों पहन रही हैं, ये किस तरह से यहाँ पर इंडियन कल्चर जो है इधर लेकर आ रहे हैं। तो आपके ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है ये गलत है, ये मुस्लिम कल्चर में देखा ही नहीं गया, आपके ख्याल से क्या ठीक है या नहीं, ज़रूर से बताते जाएगा। ये थी हमारी प्रेडिक्शन वीडियो का, सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।